हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस डिस्कशन में हम द हिंदू, PIB, RSTV, योजना, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस जैसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ आई आज वो आई है K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के बारे में। तो देखो, न्यूज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का यह प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का यह एक जो फ्रेमवर्क है जिसका नाम है K-12 या K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, इसको इंडिया ने अभी अडोप्ट किया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में इस फ्रेमवर्क को वाइडली या बड़े तौर पे, बहुत ही बड़े तौर पे इम्प्लीमेंट है वो किया जाना है। है क्या है? देखो, यह हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लाने के लिए, रिवोल्यूशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो साबित होगा ये फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का काम क्या है तो थोड़ा हम देखो बैकग्राउंड से समझते हैं। देखो, चार इस फ्रेमवर्क के चार पिलर हैं, या आप ये बोल सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर में आप चार इंपॉर्टेंट मेन पिलर मान सकते हो। जैसे कि एक तो एजुकेशन के लेके जो लीडरशिप या जो पॉलिसी है वो कैसी है, दूसरी कि जो टेक्नो जो यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग की जो क्वालिटी है या मॉडर्न टीचिंग क्वालिटी है या वो नहीं है वो, तीसरा फैक्टर आप ऐसे बोल सकते हो पिलर के बेस पे कि इन्वायरमेंट है वो कैसा प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, टीचर्स को, और इससे क्या चौथा पिलर हो जाएगा कि भाई आप बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, टीचर्स को भी आपको अच्छी ट्रेनिंग देनी है, अगर आपको पॉलिसी को भी अच्छा इंप्लीमेंट करना है तो एक चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से इन चार पिलर्स के बेसिस पे ये फ्रेमवर्क है वो काम करने वाला है। देखो, हमारे देश में एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसी को आगे बूस्ट करने के लिए फ्रेमवर्क है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 50 कंट्रीज़ ने इस फ्रेमवर्क को अडोप्ट किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। होगा कैसे? इससे एक तो लर्निंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो इम्प्रूव होंगी, इसी के साथ ही और जो क्वालिटीज़ हैं हमारे देश में एजुकेशन की उनको बूस्टअप है वो किया जाएगा। जैसे देखो, इसमें हम अगर बात करें तो हमारे देश में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा ना स्कूलों में, देखो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसी के साथ ही डिजिटल अगर हम बात करें लिटरेसी, तो उसमें भी हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को बूस्ट करना है और जो नया लेटेस्ट मटेरियल है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टीचर्स को भी लेटेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो आज के ज़माने में जिस एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी कि जिस जिस सेक्टर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और जहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, या बोल सकते हो कि और जो कॉलेज वगैरह में ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाए, तो पहले टीचर्स को भी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इन सब को बूस्ट करने के लिए हमारी स्कूल या कॉलेजों में रिसर्च इनपुट्स हैं, इनको बढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी राय को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, और पॉलिसी मेकर हैं वो काफ़ी चीनी पॉलिसी बना सकें, इसके लिए इस फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट ने अडोप्ट है वो किया है। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोजेक्ट है वो गूगल वगैरह का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का यह प्रोजेक्ट है। UPSC कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एवियन बोटुलिज्म के बारे में। तो क्या है एवियन बोटुलिज्म, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, एवियन का मतलब तो बताइए पक्षी होता है, बोटुलिज्म का मतलब होता है कि सड़ा गड़ा खाना खाने से कोई भी खाना काफ़ी वेस्ट और उसमें बैक्टीरिया फैल गए हैं काफ़ी ख़तरनाक, और उन बैक्टीरिया को अगर किसी भी जानवर ने खा लिया तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो एक टाइप से जिस तरीके से ह्यूमन में फूड पॉइजनिंग होती है, उसी तरीके से पक्षियों में अगर सड़े गले खाने से ये बैक्टीरिया जनित खाना खा लिया उन्होंने तो उसे वो बोलते हैं बोटुलिज्म। देखो, अभी कंटेक्स्ट ये है कि राजस्थान में सांबर लेक है और वहाँ पे लगभग 18,000 पक्षियों की डेथ है वो हो गई। क्यों? एवियन बोटुलिज्म, यानी कि उन पक्षियों में फूड पॉइजनिंग का इशू है वो पाया गया था, इसकी वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में जाने चली गई हैं। अब देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बोटुलिज्म जैसी गंभीर समस्या देखने को मिली। तो देखो, कुछ रिपोर्ट का ये कहना है कि जो राजस्थान की सांबर लेक है इसमें क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से ही इतने सारे पक्षियों की जानें हैं वो गई हैं। फिर से कुछ रीज़न और भी दिए गए हैं कि यहाँ पे दिया गया, एक तो ये फ्लक्चुएशन वाटर लेवल। देखो, होता क्या है कि राजस्थान की जो सांबर लेक है इससे नमक बनाया जाता है, बारिश के मौसम में क्या होता है जैसे ये झील है इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ तक हो गई, और फिर जो जो ही बारिश का मौसम जाएगा पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो जैसा हम जानते हैं कि नमक की मात्रा ऑटोमेटिकली है वो बढ़ने लग जाएगी, कि जो पानी कम होगा तो नमक की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ेगी यहाँ पे, मतलब पानी है वो ज़्यादा सैलिनिटी हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो, जो जीव ज़्यादा नमक के पानी में नहीं रह पाते वो मर जाएंगे, और उनकी वजह से जब वो डिकम्पोज होंगे, जब वो बाहर सड़े गले की फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा उनके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, और फिर इसी वजह से जब बैक्टीरिया काफ़ी जहरीले कंडीशन में आ जाते हैं और अगर पक्षी उनको खा लें तो फिर उनकी डेथ है वो हो जाती है, आप बोल सकते हो कि उनमें फूड पॉइजनिंग की समस्या देखने को मिलती है। या फिर दूसरा रीज़न यहाँ पे भी दिया गया है कि जब पक्षी जो भी यहाँ पे मतलब मछली वगैरह है मर गई हैं
तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया को एक इन्वायरमेंट मिल जाता है उनके फेवरेबल, कि वो वहाँ से अच्छे से पनप सकते हैं, और अगर बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो पक्षी उनको खाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तीसरा रीज़न दिया गया कि न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पे जो भी फूड है इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होंगे तो बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे और उसकी वजह से भी पक्षियों की डेथ है वो हो जाएगी। जैसे दिया गया है कि जो क्रेब हुए, प्रॉन हुए, या पे श्रम्स हुए, इनकी संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया इनके मतलब इनके काफ़ी क्लोज रहते हैं, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर पक्षी उनको खाते हैं तो उनकी भी डेथ यहाँ पर हो जाती है। तो ध्यान रखना कि एवियन बोटुलिज्म है क्या। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। देखो तो यूपीएससी ने कुछ साल पहले क्वेश्चन भी पूछा था कि प्राइवेट मेंबर बिल है वो क्या पहली बार पब्लिश किया गया था वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, प्राइवेट मेंबर बिल है वो पहली बार ही पब्लिश नहीं किया जाता लोकसभा कांग्रेस में, मतलब आज से पहले भी, आज़ादी के काफ़ी लंबे टाइम में भी हम देखें तो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो पेश हैं, वो किए गए हैं। देखो प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है वो हम जानते हैं, हम जैसा जानते हैं कि नॉर्मल जो कोई भी बिल होता है, ड्राफ्ट होता है, वो कैबिनेट लेंग के जो मंत्री होते हैं वो लेके आते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं वही बिल लेके आते हैं, वो तो होता है नॉर्मल बिल। बट अगर कोई भी नॉर्मल एमपी, यानी कि जो कोई मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, अगर वो बिल लेके आ रहा हो, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि पार्लियामेंट में कोई जो आम एमपी है, जो नॉर्मल सांसद है और कोई बहुत बड़ी कैबिनेट पोस्ट पे नहीं है, वो अगर कोई बिल लेके आता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आम जनता लेके आएगी, नहीं, केवल जो नॉर्मल एमपी अगर बिल लेके आ रहा हो उसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इससे पहले भी काफ़ी बिल आ चुके हैं, इस बार अगर हम बात करें तो 28वां प्राइवेट मेंबर बिल है वो लोकसभा में लाया गया था, तो उसी को लेकर न्यूज़ यहाँ पे आई है। तो एक तो यूपीएससी पूछ सकते कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल है वो देखो नॉर्मल बिल की तरह है, या तो लोकसभा में पास के लोकसभा में मतलब एडमिट कर सकता है, या फिर राज्यसभा में। अगर लोकसभा में इसको एडमिट करना है तो उसके लिए हम बात करें तो आपको पता है कि चेयरपर्सन की बात है वो इम्पोर्टेंट होती है, और अगर राज्यसभा में है तो वहाँ सॉरी लोकसभा में है वो चेयरमैन, लोकसभा में होते हैं हमारे स्पीकर, तो उनकी अनुमति के बाद ही उसको पेश कर सकते हैं, और राज्यसभा में ये काम है वो करते हैं हमारे चेयरमैन। तो ये ध्यान रखना कि राज्यसभा में अगर बिल ले जाना है प्राइवेट मेंबर बिल, तो जो चेयरमैन होते हैं उनकी अनुमति ज़रूरी होती है, और अगर लोकसभा में पेश करना है तो स्पीकर की अनुमति ज़रूरी होती है। इसी के साथ आगे की जो प्रोसीजर होती है वो नॉर्मली दोनों में ऑलमोस्ट सेम सी होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर किसी भी एमपी को प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पहले संसद को, या बोल सकते हो कि जो भी जैसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों भी हैं, तो वहाँ पर इन्फॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब मेंबर को एटलीस्ट 1 महीने पहले नोटिस देना होता है कि भाई वो इस टॉपिक पे बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहा है। इसके बाद में जो हाउस सेक्रेटरी होते हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि भाई सारे कॉन्स्टिट्यूशन रूल वगैरह फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, फिर बिल को एडमिट है लिस्ट है वो किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि जो नॉर्मल बिल होते हैं उनको कभी भी डिस्कशन में लाया जा सकता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल हैं इनको अगर डिस्कशन करनी है और इन पर कोई भी मतलब इनको पब्लिश इंट्रोड्यूस करना है तो केवल फ्राइडे के दिन ही कह सकते हैं, मतलब जो भी लास्ट फ्राइडे गया है उस दिन प्राइवेट मेंबर बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये इफेक्ट यूपीएससी पूछ सकती है कि प्राइवेट मेंबर बिल है वो केवल फ्राइडे को ही पब्लिक मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस पर डिस्कशन की जाती है केवल और केवल फ्राइडे को। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, प्राइवेट मेंबर के लिए बिल के लिए केवल और केवल फ्राइडे का दिन ही रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में। देखो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी लगभग 2015 के ईयर में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को स्पॉन्सर है वो किया जाता है, जितना भी पैसा होता है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, यह स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। इस स्कीम का एक दूसरा नाम है वो है सखी। सखी का तो आपने काफ़ी बार नाम हो सुना होगा कि सखी स्कीम के बारे में। देखो यह एक सब स्कीम है, एक गवर्नमेंट का एक मिशन आया था पहले जिसका नाम था नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मतलब इस मिशन का टारगेट रखा गया था कि महिलाओं को एम्पावर करना है ताकि वो अपनी बोल सकते हो कि अपनी आजीविका और अपने खुद के ऊपर निर्भर रह सकें, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें। और फिर एक छोटा सा स्कीम और आई थी, योजना आई थी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। यानी कि गवर्नमेंट का नेशनल मिशन फॉर जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन था इसके अंदर एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, और उसके अंदर एक स्कीम आई जिसका नाम था वन स्टॉप सेंटर स्कीम या फिर सखी स्कीम। सखी स्कीम का ये प्रावधान किया गया है कि एक सेंटर प्रोवाइड कर जाएगा
जो भी महिलाएं जिनके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस हुआ किसी भी टाइप का, चाहे कास्ट को लेके वायलेंस या हिंसा हुई है, उनकी कास्ट को लेके, धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या फिर कोई भी हम बात करें शादी के बाद किसी भी चीज़ को लेके अगर महिलाओं के अगेंस्ट कोई हिंसा होती है, वायलेंस होता है, या फिर उनको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, तो उस दौरान उनको राहत प्रोवाइड करवाने के लिए इस वन स्टॉप सेंटर स्कीम का शुरुआत है वो की गई है। इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट एक सेंटर बना देती है जगह जगह पे, और वहाँ सेंटर पे महिलाओं की हेल्प है वो की जाती है। किस तरीके से, जैसे मान लो कि किसी भी जो विधवा महिला है उसको किसी ने घर से बाहर निकाल दिया, तो उस दौरान देखो उसको इमरजेंसी राहत की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए क्या होता है, उनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो वो गवर्नमेंट इन सेंटर पर प्रोवाइड करवाती है, या फिर उनको और भी जैसे FIR दर्ज करवानी हो तो उनको प्रोसीजर का नहीं पता हो तो वो सारी उनको यहाँ पे गाइडलाइंस बताई जाएंगी कि आप ऐसे ऐसे FIR करवा सकते हो, या फिर उनको किसी भी तरीके की काउंसलिंग करवानी है, जैसे कि हम बात करेंगे साइको सोशल सपोर्ट चाहिए हो, या फिर कोई भी लीगल एड चाहिए हो, कोई और तरह की काउंसलिंग चाहिए हो, रहने के लिए उनको घर चाहिए हो, या फिर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो किसी चीज़ को लेके, तो सारी जो फैसिलिटी हम महिलाओं को वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। केवल महिलाओं के लिए नहीं है इसमें, बच्चों मतलब जो लड़के हैं इनको भी ऐड किया गया है, यानी कि 18 साल से कम एज की जो लड़के हैं इनको भी इस स्कीम में शामिल है वो किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस स्कीम का जितना भी फंड है वो आता है निर्भय फंड के तहत। देखो गवर्नमेंट ने जब निर्भय केस हुआ था इसके बाद में निर्भय फंड बनाया था, और इस फंड का यूज वो केवल महिलाओं के लिए ही किया जाता है, तो सारी की सारी जो असिस्टेंस है, सपोर्ट है, फाइनेंशियल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, और उसके बाद में स्टेट और UT हैं वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। कौन क्या है लिविंग रूट ब्रिजेस, देखो इस तरह के होते हैं, मतलब जैसे कि इधर कोई पेड़ है ये रहा, इस साइड भी ये पेड़ है ये रहा, इनकी जो रूट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि रूट्स काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी ये, देखो यहाँ पे लटक रही हैं रूट्स इस तरीके से, अगर ये रूट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो एक ब्रिज की फॉर्म में काम करने लग जाते हैं, इनको कहा जाता है लिविंग रूट ब्रिज, मतलब कि जो रूट हैं वो लिविंग फॉर्म में है और ब्रिज का निर्माण उन्होंने कर लिया है, तो इसका लोग आने जाने में यूज है वो करते हैं। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये देखो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारा स्टेट है मेघालय, वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब मेघालय के स्टेट में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनका दूसरा नाम है वो है जिंगकेंगजरी, तो ये ध्यान रखना है, लिविंग रूट ब्रिज को जिंगकेंगजरी के नाम से भी जाना जाता है, और मेनली ये जो ब्रिज हैं वो मेघालय स्टेट में पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, हैंडमेड मतलब ये नेचुरली बने हुए होते हैं। इसी के साथ ही जो रबड़ के ट्रीज होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो कि रबड़ के पेड़ की जड़ें होती हैं वो आपस में यहाँ पे जुड़ती रहती हैं और एक ब्रिज का निर्माण कर लेती हैं, तो सालों से जो लोग हैं वो इस ब्रिज का यूज है वो करते रहते हैं आपस में, जैसे सड़क वगैरह या रोड क्रॉस करनी हो, कोई नदी वगैरह की छोटी मोटी, इन सब को। आगे इसमें ही कहा गया है कि खासी और जो जयंती हिल्स के जो लोग हैं वो माउंटेन के जब भी हिल या चढ़ाई वगैरह करते हैं तो मतलब उनको इन ब्रिज को क्रॉस है वो करना होता है, तो अभी UPSC पूछ सकते हैं इनके बारे में कि ये कहाँ पाए जाते हैं ऐसे ऐसे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मालाबार ट्री टोड के बारे में। टोड देखो एक मेंढक की प्रजाति होती है, टोड वैसे हम बात करें मेंढक क्या होता है, मेंढक देखो एक उभयचर होता है, मतलब कि एम्फीबियन स्पीसीज होती है, एम्फीबियन स्पीसीज वो होती हैं जो जल प्लस थल, मतलब पानी में भी रह सकती हैं और ज़मीन पे भी रह सकती हैं, उनको कहा जाता है एम्फीबियन स्पीसीज, और जो टोड है या मेंढक है वो भी एक एम्फीबियन स्पीसीज ही होती है। न्यूज़ अभी ये थी कि कर्नाटका का एक NGO था, उसने जो ये मालाबार ट्री टोड है ना, इनके कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह के कैंपेन चलाए हैं वेस्टर्न घाट में, और मेनली जो मालाबार ट्री टोड है वो ऑब्वियसली मालाबार कोस्ट पे पाया जाता है, मतलब कि वेस्टर्न घाट वाले हिस्से में पाया जाता है। अगर हम बात करें कंजर्वेशन को लेके तो IUCN में इसको इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, और इनका जो मेनली जीवन है वो पेड़ों के ऊपर ही, मतलब आप बोल सकते हो कि निर्भर रहता है, पेड़ों के ऊपर ही अपनी सारी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, देखो मालाबार ट्री टोड हैं ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, और एक बायोडाइवर्सिटी का इंडिकेटर भी है कि जहाँ पे अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है उन एरियों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो उभयचर प्राणी होते हैं या फिर जो एम्फीबियन प्राणी होते हैं, इनकी लगभग वेस्टर्न घाट में 179 स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं, और उनमें से 80% स्पीसीज़ तो ऐसी हैं, यानी कि 180 स्पीसीज़ पाई जा रही हैं, 179 इनमें 80% स्पीसीज़ तो केवल और केवल वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं, ऑल ओवर के किसी भी हिस्से में नहीं पाई जाती। तो आपको देख सकते हो कि वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इकोनॉमिकली तरीके से भी काफ़ी सेंसिटिव जोन है वो हो जाता है, तो उसी को लेकर आर्टिकल्स में कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में।
देखो अभी गवर्नमेंट ने 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, इनको डेवलपमेंट को लेके मंजूरी है, आप बोल सकते हो परमिशन है वो दी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं वो किसके तो निगरानी में रखे जाते हैं और कौन कौन से भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जिनका काम चल रहा है। तो देखो गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इनको लेके एक ट्रस्ट बना रखा है जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, यानी कि NICDIT, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एंड कार्यान्वयन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट क्या करता है, इसका काम ही है कि जो भी कॉरिडोर बनाना वो बनाना, उसकी निगरानी करना और उसका डेवलपमेंट सारा काम इसी के थ्रू किया जाता है। देखो भारत में अभी 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं उनको लेके काम चल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब इन गलियारों एंड कॉरिडोर का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है वैसे, और डिपार्टमेंट का नाम हुआ है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2017 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसको लेके फंडिंग है, वो जो सपोर्ट है सारा वो इसी प्रोग्राम या बोलते इसी ट्रस्ट के द्वारा दिया गया था और वही इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो ध्यान रखना जो भी देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इनका निर्माण और इनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है क्रियान्वयन सारा काम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। अब हम पांचों ट्रस्ट के बारे में जो कॉरिडोर हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एक तो ये रहता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि इसमें जापान है वो भी थोड़ी बहुत फंडिंग है वो दे रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद में एक है वो है AKIC, यानी कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरता है। इसके बाद में है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CBIC, ये होते हुए जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इसके बाद में एक है वो है ECEC, यानी कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है पश्चिमी बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें देखो अलग अलग फेज हैं इस वाले में, तो इतना सब डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा आइडिया हो कि 5 कॉरिडोर हैं, नाम क्या क्या है इतना ठीक है। बाकी DMIC काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऊपर वाला अमृतसर जो कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। फिर लास्ट में पांचवा भी इंपॉर्टेंट है वो है बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर BMIC, ये कर्नाटका और महाराष्ट्र में ही कि नहीं दो स्टेट्स में ही फैला हुआ है, तो UPSC इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, अब एक बार जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है K12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क जिसको इंडिया ने भी इम्प्लीमेंट किया है इसके बारे में डिस्कशन की। इसके बाद में हमने एवियन ब्लूटूथ के बारे में जाना जो कि सांबर लेक में काफ़ी सारे पक्षियों की जान लेने का एक अहम रीज़न माना गया है। इसी के साथ हमने प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जाना कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। इसी के साथ हमने वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में जाना, यानी कि सखी स्कीम, महिलाओं के अगेंस्ट अगर कोई भी वॉयलेंस होता है, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उनको काउंटर करने के लिए, महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, राहत प्रोवाइड करवाने के लिए इसी स्कीम का शुरुआत है वो की गई है। इसके बाद में हमने लिविंग रूट ब्रिज के बारे में जाना जो कि मेघालय में पाए जाते हैं। इसी के साथ हमने मालाबार ट्री टोड के बारे में जाना जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है। फिर हमने जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इनके बारे में डिस्कशन की, 5 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हैं, एक एक को हमने यहाँ पे कवर है वो कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि अन अकेडमी पर काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं UPSC रिलेटेड, तो आप किसी भी टीचर्स की वीडियो देख सकते हो। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो Devinder Singh 27, इससे आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।